News 18, India. एसएन प्रधान इस वक्त हमारे साथ हैं क्योंकि एनसीबी ने एक बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद की है। सर, कितनी किलोग्राम ये ड्रग्स है और इसकी क्या कॉस्ट है और कैसे ये नेटवर्क इतना बड़ा नेक्सस जो पकड़ में आया? ये 3,300 किलो से ज्यादा ड्रग्स हैं, कंसाइनमेंट है, और लगभग या तो 1300 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक का वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द मार्केट हो सकता है। तो ये 2000 करोड़ का जो कंसाइनमेंट है ये अपने आप में एक बड़ा वैल्यू रखता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सिग्निफिकेंट बात है, वो ये कि ये क्वांटिटी वाइज सबसे बड़ा सीजर है और मैरीटाइम रूट में तो सबसे बड़ा सीजर है। समुद्र के इस्तेमाल को लेकर जो ड्रग्स तस्कर हैं वो काफ़ी हद तक जो विदेशी धरती से यहाँ पर आ रहा है, तो समुद्र का कितना इस्तेमाल भारत में इस तरह से किया जा रहा है? देखिए, पिछले 5 से 10 साल में समुद्र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा है और हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे वेस्ट साइड में अफगानिस्तान ईरान का जो डेथ ट्रायंगल है, जिसको पहले गोल्डन ट्रायंगल की संज्ञा दी गई थी, उसी तरह म्यांमार की तरफ डेथ ट्रायंगल म्यांमार की तरफ है और डेथ क्रेसेंट अफगानिस्तान की तरफ, तो दोनों के बीच में हम लोग सैंडविच हैं। तो ये कोशिशें लगातार होती रहेंगी और इसीलिए बहुत अलर्टनेस की ज़रूरत है और उसी अलर्टनेस का नतीजा है कि एनसीबी और नेवी ने मिलकर और गुजरात एटीएस ने मिलकर ये कार्रवाई को अंजाम दिया। सर, क्योंकि आप पहले से ही एनसीबी काफ़ी हद तक जो ड्रग्स सिंडिकेट है उनको निकल कर सर गया, तो ये जो लोग पकड़े गए हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ के ओरिजिन हैं इनका? ऐसा प्रतीत होता है कि या तो ये ईरानियन है या पाकिस्तानी है, लेकिन अभी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं हुई है, वो अपना आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा कि कहाँ से हैं। अभी आइडेंटिटी पेपर्स उनके कुछ भी नहीं मिले हैं, तो आगे तहकीकात की बात है कि कौन एग्जैक्टली हैं और कहाँ से आए। एक सवाल और कि कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि कोई ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया, कैसे इनका पता चल पाया था? देखिए, लगभग 4 से 5 वीक पहले से ही कार्रवाई चल रही है और इनपुट्स लिया जा रहा है, लेकिन इसको पक्का जब होने के लिए दिया गया तब कुछ दिन पहले ये पता चला कि कंसाइनमेंट चल चुका है। इसके बाद जो इंटर एजेंसी कोऑपरेशन के आधार पर हम लोगों ने ये शेयर किया, नेवी के साथ शेयर किया, और उसके बाद नेवी ने इस पर बहुत कारगर कार्रवाई की और एटीएस के साथ मिलकर हम लोगों ने इसको अंजाम दिया। आपने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईरान का कोई जो बंदरगाह है वहाँ से ये जो अभी प्राथमिक इनपुट है ये चाबहार से चला हुआ कंसाइनमेंट लग रहा है। चाबहार ईरान में पड़ता है, पोर्ट है, और वहाँ से चलते हुए ये वेस्टर्न कोस्ट को के साथ साथ मूवमेंट किया है। एग्जैक्टली डेस्टिनेशन क्या था ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, लेकिन ये तय है कि ये लोग इंडियन कोस्ट लाइन को वनरेबल मानकर एक्सप्लॉयट करने की कोशिश में थे। सर, एक आखिरी सवाल कि क्या कितनी कुल कीमत कितनी इसकी अप्रोक्सीमेटली मानी जा रही है? कुल कीमत, जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ा क्वांटिटी है मैरीटाइम सीजर का और कुल कीमत कहीं 1300 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डीजी एसएन प्रधान, जिनका कहना है कि तकरीबन 2000 करोड़ की ये ड्रग्स मानी जा रही है जिसके लिए अभी तफ्तीश जारी है।